आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम जीते कम हैं और जिंदगी को काटते ज्यादा हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे सभी के लाइफ में बहुत टेंशन हैं। लेकिन आज के बाद आपके लाइफ में टेंशन की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि आज मैं आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की बुक समरी शेयर करने वाली हूँ। सो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। वैसे तो डेल कार्नेगी ने बहुत सी बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है, लेकिन आज आपसे हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक की कुछ खास बातें शेयर करने वाली हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप भी टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। डेल कार्नेगी ने इस बुक में लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि कैसे करके लोगों ने टेंशन को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी सिंपल से एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला है एच करियर फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले मैं आपको विलियस एच करियर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। वेल, वो एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे जिन्होंने एयर कंडीशनर का बिजनेस शुरू किया था। लेकिन जब वो एक कंपनी में काम करते थे तो उनको एक फैक्ट्री में गैस साफ करने की मशीन लगाने का काम दिया गया, और गैस साफ करने की ये टेक्निक न्यू थी। इसका सिर्फ एक ही बार यूज किया गया था, वो भी किसी दूसरी कंडीशन पे। उन्हें उस टेक्निक पर काम करने में काफी प्रॉब्लम आए। ऑल्दो मशीन काम तो कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं जैसा एच करियर की कंपनी ने गारंटी दी थी। और एच करियर अपने इस फेलियर से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर में किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। कुछ टाइम तक वो इतना ज्यादा टेंस रहे कि उनकी नींद उड़ गई। और ऐसा होता भी क्यों ना, बात $20,000 की जो थी। एट लास्ट उन्हें ये समझ आया कि परेशान होने से उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया और उनको बहुत ही बढ़िया रास्ता मिला। उन्होंने सिर्फ 3 स्टेप में अपने सारे टेंशन को हरा दिया। और आप भी इन स्टेप का यूज करके अपने किसी भी टेंशन को हरा सकते हो। सो चलिए जानते हैं कि वो स्टेप कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने खुद से ये पूछा कि इस सिचुएशन में उनके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्या उनको जेल हो जाएगी या उनको फांसी दे दी जाएगी? वेल, ऐसा तो कुछ भी नहीं होना था, लेकिन उनको नौकरी से निकाला जा सकता था, क्योंकि शायद कंपनी को मशीन हटानी पड़े जिससे $20,000 का लॉस हो सकता था। सेकेंड स्टेप में उन्होंने बुरे से बुरे कंडीशन को एक्सेप्ट किया। उन्होंने खुद से कहा कि इस फेलियर से उनके करियर को धक्का जरूर लगेगा, शायद उनकी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी आसानी से मिल भी सकती है। नाउ जब उन्होंने अपने बुरे से बुरे सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड सारी चीजों को एनालाइज कर लिया, तब थर्ड स्टेप उन्होंने शांति के साथ अपना पूरा टाइम और एनर्जी इस पर लगा दिया कि उस बुरे से बुरे सिचुएशन को कैसे सुधारा जाए। और फिर उन्होंने तरीके ढूंढने शुरू किए जिससे वो $20,000 के नुकसान को कम कर सके। उन्होंने कई टेस्टिंग किए और लास्ट में एक नतीजे पर पहुंचे कि अगर वो उस पुराने मशीन में एक और इक्विपमेंट जोड़ दें जो $5,000 का है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। और आपको पता है, जहां उनको $20,000 का लॉस होने वाला था, वहां उनको $15,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्या होता अगर वो सिर्फ टेंशन लेते? शायद वो इसका सॉल्यूशन कभी भी ना निकाल पाते। और आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप भी इन 3 स्टेप से उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो इस बुक में और भी अमेजिंग सी बातें शेयर की गई हैं, और प्रूफ के साथ बताया गया है कि आप टेंशन को कैसे हरा सकते हो। सो याद रखिएगा, जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए, एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए कि आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, देन उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, देन उसके बाद उसको ठीक करने के लिए स्टेप्स लीजिए। ये 3 चीजें अगर आप करते हो तो आप अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आजमा के जरूर देखिएगा। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम इस बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। इंसान को जितना भी मिल जाए उतना कम है, हमेशा उसे ज्यादा चाहिए होता है, और यही ज्यादा चाहने की चाह उसके दुखों का कारण बन जाती है।
और फिर उसकी लाइफ में खुशियों की जगह कंप्लेन ले लेती है एंड देन दुखों का वेलकम शुरू हो जाता है। लेकिन आज के इस शो के बाद एटलीस्ट किसी चीज के ना होने से दुखी तो नहीं होंगे आप। एंड ये होगा कैसे, ये जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। स्टोरी है हरॉल्ड एबॉट की। मिस्टर एबॉट वेब सिटी में किराने की दुकान चला रहे थे। इसमें ना सिर्फ उनकी सेविंग्स खत्म हो गई बल्कि उन पर ऐसा कर्ज लद गया जिसको चुकाने में उन्हें सालों लग गए। उनके किराने की दुकान कुछ दिन पहले ही बंद हुई थी और वो उधार लेने के लिए मैनचेस्टर एंड माइनर्स बैंक जा रहे थे ताकि वो नौकरी की तलाश के लिए कॉमर्स सिटी जा सके। वो एक हारे हुए आदमी की तरह चल रहे थे और अपनी सारी एनर्जी और बिलीफ खो चुके थे। तभी अचानक उन्होंने सामने से एक आदमी को आते देखा जिसके पैर नहीं थे। वो रोलर स्केट्स वाले बोर्ड पर बैठा था जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं। वो अपने हाथ में लकड़ी के टुकड़े लेकर खुद को रोड पर धकेल रहा था। मिस्टर एबॉट ने उसे तब देखा जब उसने रोड क्रॉस की ही थी और वो रोड से फुटपाथ पर चढ़ने के लिए खुद को कुछ इंच उठाना शुरू कर रहा था। तभी उनका एक दूसरे से आई कांटेक्ट हुआ। उस आदमी ने एक बड़ी सी स्माइल से मिस्टर एबॉट को विश किया, गुड मॉर्निंग सर, आज का दिन कितना अच्छा है ना, उसने एक्साइटमेंट से कहा। जब एबॉट ने उसकी तरफ देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वो कितने अमीर थे। उनके पास दो पैर थे, वो चल सकते थे। तब उनको खुद के आत्म करुणा पर शर्म आ गई। उन्होंने खुद से कहा, अगर वो आदमी बिना पैरों के इतना खुश, सुखी और विश्वास से भरा हो सकता है तो मेरे पैर होने के बावजूद मैं क्यों नहीं हो सकता। अचानक उनको महसूस हुआ जैसे उनके सीने से भारी बोझ उतर गया हो। पहले तो वो बैंक सिर्फ $100 का लोन लेने जा रहे थे, लेकिन अब उनमें $200 का लोन लेने की हिम्मत आ गई थी। पहले तो वो सिर्फ नौकरी ढूंढने की कोशिश के लिए दूसरे सिटी जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया कि अब वो नौकरी हासिल करने जा रहे हैं। उनको लोन के साथ साथ नौकरी भी मिल गई। वेल, उस इंसिडेंट के बाद से उन्होंने अपने बाथरूम के शीशे पर एक कागज में दो लाइन लिखकर चिपका दिया और वो लाइन थी, मेरे पास जूते नहीं थे, मैं तब तक इस बात को लेकर दुखी रहा जब तक मुझे रोड पर वो आदमी नहीं दिखा जिसके पास पैर नहीं थे। अगर हमारे पास पीने के लिए ताजा पानी और खाने के लिए खाना है तो हमें किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर अभी भी आपको नहीं लगता कि आप कितने ज्यादा अमीर हैं, तो एक स्टोरी और शेयर करती हूँ। और ये स्टोरी है टाइम मैगजीन में प्रिंट एक सर्जेंट की, जो फाइट में घायल हो गया था। बम का एक टुकड़ा उसके गले में आकर लग गया था और इस सर्जेंट को 7 बार खून चढ़ाया जा चुका था। उसने अपने डॉक्टर से लिखकर पूछा, क्या मैं जिंदा रहूंगा? डॉक्टर ने आंसर किया, हाँ। फिर उसने दूसरा सेंटेंस लिखा, क्या मैं बोल पाऊंगा? डॉक्टर ने दोबारा जवाब दिया, हाँ। फिर उसने लिखा, तो फिर मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ? वेल, आपका तो नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी पढ़कर मेरे जरूर गूज़बम्स खड़े हो गए थे, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को लेके कितना परेशान होते रहते हैं और बेवजह परेशान होते हैं, जबकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कितना कुछ खोया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कितने खुशी से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि हमें बैलेंस करना नहीं आता, हमें मैनेज करना नहीं आता। हमारे पास बहुत कुछ है, बट अगर हम अच्छे से हर चीज को मैनेज करना सीख जाएं, तो फिर हमें बहुत सारी टेंशन से यूं ही आजादी मिल जाए। आप भी जरा सोच के देखिएगा कि हम कैसे करके छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान होते रहते हैं, जबकि वो परेशान होने वाली बात ही नहीं होती है। हर चीज का ऑल्टरनेट होता है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं कि हमें सिर्फ नेगेटिव ही दिखता है एंड हम सॉल्यूशन पे कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। ये बुक मैं सभी को रिकमेंड जरूर करूंगी।